हिमाचल में और गुजरात में जैसे ही बीजेपी का झंडा लहराया तो बीजेपी कार्यालय पर, ग्रामीण कार्यालय पर कार्यकर्ता पहुंचने लगे। मेरे साथ महिपाल डांडा हैं, ग्रामीण से विधायक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डांडा साहब, कितनी उम्मीद थी और कितना खरा उतर पाई? अभी तो रुझान आ ही रहे हैं, 107-8 तक हम लोग पहुंच गए हैं। हमें उम्मीद है कि हम लोग 115 से 120 सीटें जरूर जीतेंगे। यह आंकड़ा बढ़ना भी चाहिए, हमारे तो ये उम्मीद है कि हम 120 प्लस जाने चाहिए। नाना साहब, कांग्रेस बड़ा जोर लगा रही थी और बड़े जोर शोर से प्रचार भी था कि हिमाचल और गुजरात में उनकी आएंगी सीटें आएंगी और वो क्लीन स्वीप करके जाएंगी। मुंगेरी लाल के असीन सपने पप्पू ने भी देखे, अच्छा है रिजल्ट सामने। हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल एकदम साफ कर दिया है। गुजरात में वो सपना लेके आए थे कि हम लोग गुजरात में चुनाव जीतेंगे और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे, वो कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो तो इसी बात को लेकर खुश होते नजर आ रहे हैं कि हमने पिछली बार इतनी सीट जीती थी, इस बार हम लोग इतनी सीट जीत रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज ऐसे बढ़ रहा है। देखिए, विधानसभा में सर गिने जाते हैं और सर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार, उसका लोग, वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। मैं तो चुनाव में 1 सवा महीने के आसपास में वहाँ पर रहा भी, वो लोग जानते हैं, उन लोगों को पता है कि पहले वहाँ पे हर रोज़ कर्फ्यू लगते थे, क्या वो दोबारा शासन ऐसा लेके आना चाहेंगे क्या? वहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हुई पड़ी थी, इंडस्ट्री में कोई जान ही नहीं थी, वो इंडस्ट्री को तबाह थोड़ी नहीं करना चाहेंगे। वहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम निरस्त हुई पड़ी थी, आज वहाँ पर दुरुस्त है, वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर ये कानून व्यवस्था दोबारा से ख़राब हो। वहाँ पर रोड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पर हर गाँव को रोड के साथ लिंक किया गया है, हाईवेज वहाँ पे बनाए गए हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज पॉलिसीज इस प्रकार की बनाई गई कि कोई भी उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी नहीं है। वहाँ पे अनामत को लेके, आरक्षण को लेके एक गिरोह इकट्ठा जरूर हुआ और उस गिरोह का भी रिजल्ट यही है जो आप सबके सामने अभी वो आ ही गया है। वहाँ पे जिग्नेश को, वहाँ पे अल्पेश को, वहाँ पे हार्दिक को, इन सब लोगों को लेके कांग्रेस सरकार चली। और अद्भुत बात यह है कि 134 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी 24 साल के नौजवान के चरणों में पड़ गई, उसके सामने नतमस्तक हो गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन कांग्रेस के लिए दूसरा हो नहीं सकता। चुनाव से पहले ये घोषणा कर दी गई थी कि राहुल को अध्यक्ष बना दिया जाएगा और कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनाने के बाद गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन में फर्क पड़ेगा, और ऐसा फर्क होता दिखता नहीं है। लोग 70 के करीब ही जो है पार्टी जो है गुजरात में सिमटती नजर आ रही है। ये कितना भी कुछ भी कर ले, किसी के अध्यक्ष बनने से, किसी के ना बनने से, यह चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी के वो सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनको बधाई है, बट वो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई करिश्मा थोड़ी नहीं कर पाए। मैं तो कह तो रहा हूँ ना, 24-25 साल के नौजवानों के चरणों में राहुल गांधी पड़ गए, उनकी कांग्रेस पार्टी 134 साल पुरानी पार्टी उनके चरणों में पड़ गई। और इतने अद्भुत बात यह है कि इस चुनाव में ये कह रहे थे कि भाई नोटबंदी 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 का असर दिखने को मिलेगा। नोटबंदी का असर क्या दिखने को मिला? असर तो दिख ही रहा है ना, पहले उनकी सरकार में आतंकवादी ताज होटल तक पहुंच जाते थे, अब जम्मू कश्मीर भी पार नहीं करने देते। ये 56 इंच के सीने का कमाल और नोटबंदी का कमाल। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं किस तरह की खुशी आप जाहिर कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, हमें उम्मीद थी कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और बहुत सराहनीय काम कर रही है। आप बताएं जी। बीजेपी में सभी बहनें बड़ी खुश हैं और बड़ा उल्लास है कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और बहुत अच्छी, जैसे लोग कह रहे थे कि नोटबंदी से GST से बड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है, बहुत अच्छा है, उल्टा लाभ मिला है, लाभ मिल रहा है हम लोगों को। तो ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो बता रहे थे कि जितनी उम्मीद थी उम्मीद से ज्यादा खड़े उतरे हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीण कार्यालय पर ढोल बजाकर, लोगों को लड्डू खिलाकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी है और खुद महिपाल डांडा जो है लोगों का स्वागत कर रहे हैं। लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि नोटबंदी को लेकर बड़ा प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वहां देखने को मिला। और गुजरात में भारी बहुमत से जो है बीजेपी आई है, अभी रुझान चल रहा है, रुझान के बावजूद भी बीजेपी वहां सीट निकाल कर आ रही है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वाइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ